एनर्जी बैंड थ्योरी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एनर्जी बैंड से रिलेटेड है, जिसके लिए सबसे पहले हमारे लिए एनर्जी बैंड के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी बैंड हैं क्या। एनर्जी बैंड बेसिकली एनर्जी लेवल होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ एसोसिएटेड होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की सॉलिड एटम्स के अंदर डिफरेंट शेल के अंदर जो एनर्जीज होती हैं उन्हें हम लोग एनर्जी लेवल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास जो एटम्स होंगे ये न्यूक्लियस के पास बहुत ज़्यादा हाईली ऑक्यूपाइड होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा क्लोजली बाउंड होते हैं, और इनकी एनर्जी बाकी सबसे ज़्यादा होती है। इसी तरह इसकी कुछ एनर्जी है, इसकी जो एनर्जी होगी वो इवन होगी। सिमिलरली अगर इस एटम के अराउंड एक और शेल है, वहाँ भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है वो इस वाली इवन एनर्जी से कुछ ना कुछ वेरी करेगी, जिसकी वजह से हम इसे ई टू कह देंगे। यहाँ पर भी जो एनर्जी है वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही है, और इस शेल में जो एनर्जी है वो भी इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से है, यानी कि एनर्जी जो हमारे पास है वो शेल टू शेल वेरी करती है, एनर्जी इस तरीके से हमारे पास है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हम यहाँ पर सोडियम की एग्जाम्पल ले लें, तो आपको मालूम है कि जो सोडियम है उसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसका तो मतलब ये हुआ ना कि अगर ये न्यूक्लियस है तो आपको मालूम है कि न्यूक्लियस से सबसे नियर जो शेल होता है उसे हम लोग के शेल कहते हैं, जिसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह एल शेल होता है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 18 होते हैं, और सो ऑन, ये जो प्रोसीजर है चलता चला जाता है। अगर ये के शेल है तो इसमें बेसिकली दो इलेक्ट्रॉन आने चाहिए। इसी तरह सोडियम के पास जो दूसरा शेल आता है जो कि शेल एम है, एल है, उसके अंदर इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं इस तरीके से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये हमारे पास 7, 8 आ गए, ये टोटल 10 हो जाते हैं, और सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग रह जाता है जो कि एम शेल के अंदर चले जाते हैं। बाद ये इलेक्ट्रॉन किसी और को दे के सोडियम एटम जो है वो पॉजिटिव आयन के फॉर्म में आ जाता है, लेकिन अभी सिर्फ हम लोग शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं। ये के शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी जो होगी वो ईवन होगी। सिमिलरली एल शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी कुछ ई टू होगी, और सिमिलरली यहाँ पर एनर्जी जो है ई थ्री होगी। यानी कि बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम लोग सॉलिड्स के अंदर एनर्जी लेवल्स के बारे में बात कर रहे हों, तो सॉलिड्स के अंदर एनर्जी लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा, बाज़ों का दर्श होता है कि एनर्जी लेवल 1, 2, 3 की बजाय अप टू एन तक गए होते हैं, और ये आपस में इस तरह से डिवाइड हुए होते हैं कि दरमियान सब एनर्जी लेवल्स भी बन जाते हैं इस तरीके से, कि अगर ये ईवन है, ये E2 है, तो हमारे पास जो है इस तरह से ये बहुत ज़्यादा आपस में सब शेल की फॉर्म में EN तक चले जाते हैं, यानी कि इतने ज़्यादा एनर्जी लेवल्स सॉलिड्स के अंदर हो सकते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स में एक अच्छी बात ये होती है कि एनर्जी लेवल्स जो है सब एनर्जी लेवल्स में डिवाइड तो हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा क्लोजली पैक्ड भी हो जाते हैं, लेकिन क्या होता है कि इनके दरमियान जो इंटरस्पेसिस है ना बहुत थोड़ी रह जाती है, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे में इंटरमिक्स नहीं होते, यानी कि ये इस तरीके से अरेंज होते हैं कि चाहे जितना मर्जी ये क्लोजली पैक्ड हो जाए ये एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स नहीं होते, मिक्स नहीं होते। तो ये डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होते हैं जो सॉलिड्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट शेल में मौजूद होने की वजह से उनकी एनर्जी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये एनर्जी जो बैंड्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं इनकी हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स होती हैं। पहली टाइप जिसे हम लोग कहते हैं ये वैलेंस, ये हमारे पास वैलेंस बैंड आ गए। इसके बाद हमारे पास कंडक्शन बैंड आ जाते हैं, ये हमारे पास कंडक्शन बैंड सेकेंड नंबर पे, और थर्ड वन जो है हमारे पास फॉरवर्डन गैप आ जाते हैं, जो कि कंडक्शन बैंड और जो है वैलेंस बैंड के दरमियान होते हैं। अब बारी बारी हम इन तीनों बैंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये हमारे पास कोई मेटल का जो मेटल है वो है, उसका एक एटम है, तो ये हमारे पास न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अराउंड जो है यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं जो इस बाउंड के अंदर, इस जो है ऑर्बिट है उसके अंदर है न्यूक्लियस के अराउंड। अगर वो जो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो अगर हम लोग बात करें ना वैलेंस बैंड की, तो वैलेंस बैंड ऐसा बैंड होता है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली ऑक्यूपाइड होते हैं और इसकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, यानी कि ऐसा बैंड जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हाईली ऑक्यूपाइड भी हों, बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और उनकी एनर्जी बाकी सबसे ज़्यादा हो, बहुत हाईएस्ट एनर्जी हो, तो उन इलेक्ट्रॉन को हम लोग कहते हैं कि ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और उस बैंड को जिसके अंदर ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वैलेंस बैंड है।
आम तौर पे तो वैलेंस बैंड जो है वो जो वैलेंस बैंड के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रॉन है जिसे हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, वो वैलेंस बैंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाइस्ट जो है वो एसोसिएटेड होते हैं, ऑक्यूपाइड होते हैं उसके साथ ही। लेकिन बहुत से मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने वैलेंस बॉन्ड के अंदर जो है वो लूजली पैक्ड होती हैं, इस तरीके से होते हैं कि इजीली यहाँ से निकल कर ऊपर आ जाते हैं, यानी कि इस बैंड से निकल कर थोड़ा सा इस तरह से मूव कर लेते हैं। जब ये इस तरह से करते हैं तो हम इन्हें कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सिर्फ पास मटेरियल्स में ही होता है। जब इस तरह से निकल कर ये फ्री इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में आ जाते हैं तो ये मज़ीद एक और बैंड के अंदर आ जाते हैं, जिस बैंड को हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। यानी कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड के अंदर चले जाते हैं, और कहाँ से जाते हैं, वैलेंस बैंड से स्कैप करके थोड़े से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इस गैप से होते हुए हमारे पास जो हैं, और ऐसा बैंड जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं कि कंडक्शन बैंड है। कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जो है मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इस तरीके से अगर ये हमारे पास कोई मेटल है तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी या करंट जो है उस मेटल के अंदर से पास करता है। और कंडक्शन बैंड और फॉरबिडन बैंड जो हमारे पास वैलेंस बैंड है, इन दोनों के दरमियान यहाँ पर जो है एक गैप होता है जिसे हम लोग कहते हैं कि ये फॉरबिडन गैप है। फॉरबिडन गैप डिफरेंट मटीरियल्स के लिए डिफरेंट होता है। सबसे पहले हम इन बैंड्स के जो है फीचर्स देख लें। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने वैलेंस बैंड के बारे में बात की है, तो वैलेंस बैंड के जो है तीन फीचर्स हैं। इसके पहला फीचर्स तो ये है कि ये बैंड कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, यानी कि नेवर एम्प्टी। हमारे पास जो हमारा ये वैलेंस बैंड है वो कभी भी खाली नहीं हो सकता, वो कम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड होता है। ये हमारे पास कम्प्लीटली और पार्शली फिल्ड होता है, इसे वैसे लिख लें कि ये हमारे पास कम्प्लीटली है या पार्शली फिल्ड होता है। दूसरी बात कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड के अंदर मौजूद होते हैं, यानी कि आप इस तरह से कह सकते हैं कि आपके पास जो वैलेंस बैंड जो है वो हाईली ऑक्यूपाइड या हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है। ये हमारे पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है, ये इसकी तीन प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी कि ये बैंड हमारे पास कभी भी खाली नहीं मिलेगा, किसी भी किस्म के आप मटेरियल्स की बात कर लें, आप इंसुलेटर की बात कर लें, आप कंडक्टर की बात कर लें, आप सेमीकंडक्टर की बात कर लें, ये इन तीनों के अंदर आपको कभी भी जो है ये एम्प्टी नहीं मिल सकता। दूसरी बात कि इन तीनों टाइप के जो मटेरियल्स हैं इनके अंदर ये कम्प्लीटली या पार्शली फिल्ड हो सकता है। और तीसरी चीज़, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में ही बताया है कि वैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड बैंड है, यानी कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो हाईली ऑक्यूपाइड होते हैं। लेकिन बाज़ अवकात सब मटेरियल्स के अंदर किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अपने बैलेंस जो है बैंड को छोड़ के ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, थोड़े फ्री हो जाते हैं, और फ्री बैंड इलेक्ट्रॉन जब किसी और बैंड के अंदर जाते हैं तब भी फ्री होते हैं। उस बैंड को हम कंडक्शन बैंड कहते हैं, और उस कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही हमारे पास जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको इसकी एक एनिमेशन दिखाऊँ तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि ये आपके पास जो है एक मेटल है। इस मेटल में ये जो है न्यूक्लियस के अराउंड कोई भी एक शेल है जिसके अंदर जो कि वैलेंस बैंड है, जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो बाउंड होते हैं। और चूंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है, इसलिए हम कहते हैं कि जो वैलेंस बैंड है हमारे पास वो हाईएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड बैंड होता है, उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है। ये पार्शली फिल्ड भी हो सकते हैं और कम्प्लीटली फिल्ड भी, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की थी। किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर, जैसे कि अभी हम लोगों ने बात की है कि ये इस तरह के इलेक्ट्रॉन जो है वैलेंस बैंड को छोड़कर ऊपर की तरफ आ जाते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये फ्री इलेक्ट्रॉन जब किसी और बैंड के अंदर जाते हैं जिसे हम कंडक्शन बैंड कहते थे, तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी इस तरीके से पास होती है। और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो इस कंडक्शन बैंड के अंदर होते हैं उन्हें हम लोग कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कह सकते हैं। ये जो है ये एम्प्टी होता है या पार्शली फिल्ड होता है, और इन दोनों के दरमियान जो ये गैप है हमारे पास, यानी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान यहाँ पर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है, जो गैप आता है, इसे हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं।
कंडक्शन बैंड के फीचर्स के अंदर आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस बैंड के अंदर, उन्हें आप कंडक्शन इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ये या तो एम्प्टी हो सकता है या पार्शली फिल्ड हो सकता है। और इस बैंड में इलेक्ट्रॉन जो है उन्हीं की वजह से हमारे पास किसी भी मेटल के अंदर करंट पास करता है। करंट के पास करने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो उसके अंदर से प्रोड्यूस होती है। और ये जो हमारे पास गैप प्रोड्यूस होता है इन दोनों बैंड के अंदर, उसे हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये बैंड हमेशा एम्प्टी होता है और किसी भी दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान या दो एनर्जी स्टेजेस के दरमियान जो डिस्टेंस आता है या जो गैप आता है उसे हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। ये तीनों तरह के जो कंडक्शन बैंड है, फॉरबिडन गैप है और हमारे पास वैलेंस बैंड है, ये सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर में डिफरेंट टाइप के होते हैं। यानी कि इन्हीं के फीचर्स की बेस पर, इन्हीं की प्रॉपर्टीज़ की बेस पर, इनके डिफरेंट जो हैं वो आपसे कह सकते हैं कि अमल करने के तरीके पर हम लोगों ने मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया है। वो इस तरीके से किया है। पहले हम लोग इंसुलेटर की बात करते हैं कि ये इंसुलेटर्स क्या हैं। हम लोगों ने जैसे कि अभी बात किया कि हम लोगों ने बैंड्स की टाइप की बेस पर कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर की कैटेगरीज डिसाइड की हैं। इसी तरह जो इंसुलेटर है, इंसुलेटर के अंदर क्या होता है कि जैसे कि अगर ये हमारे पास है, सबसे पहले यहाँ पर अगर हमारे पास वैलेंस बैंड है और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है, तो इन दोनों बैंड के दरमियान जो हमारे पास गैप आता है, जिसे हम लोगों ने अभी कहा कि ये फॉरबिडन गैप है, ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि ये आप कह सकते हैं कि सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का ये जो है डिस्टेंस आ जाता है इन दोनों बैंड्स के दरमियान में इंसुलेटर के अंदर। और इंसुलेटर के अंदर जो कंडक्शन बैंड है वो हमारे पास एम्प्टी होता है और वैलेंस बैंड जो है वो फुल हो जाता है, इसीलिए हम इसे इंसुलेटर कहते हैं। आपको मालूम है कि कंडक्शन बैंड के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का होना मस्ट है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड के अंदर मौजूद होंगे तो उन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से किसी भी मटीरियल के अंदर से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इलेक्ट्रिसिटी चूँकि करंट की वजह से पास करेगी, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही किसी चीज़ के अंदर नहीं होंगे तो उसके अंदर से करंट का पास करना जो है वो इम्पॉसिबल होता है। तो जब इंसुलेटर के अंदर कंडक्शन बैंड है ही एम्प्टी, उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इसमें वैलेंस बैंड भी बहुत ज़्यादा फुल होता है और जो फॉरबिडन गैप है वो इसमें सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का होता है, जिसकी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि ये इंसुलेटर की प्रॉपर्टी है। अगर किसी मटीरियल के अंदर कंडक्शन बैंड बिल्कुल जो है वो खाली हो, वैलेंस बैंड फुल हो चुका हो और जो उसका फॉरबिडन गैप है वो इतना ज़्यादा हो कि सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स का हो, तो उसे हम लोग इंसुलेटर की कैटेगरी में रख लेते हैं। अब दूसरी बात, आपको मालूम है कि किसी भी मेटल के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो है इलेक्ट्रिसिटी के पैसेज के अंदर जो है थोड़ा सा उसे रेजिस्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि थोड़ा सा उनके अंदर रुकावट लाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग कहते हैं कि रेजिस्टिविटी भी मेटल्स के अंदर होती है। लेकिन इंसुलेटर में तो रेजिस्टिविटी हद से ज़्यादा होती है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं, इलेक्ट्रिसिटी को कोई पास करने ही नहीं देगा, तो इसके अंदर तो कोई भी एबिलिटी है ही नहीं कि ज़रा भी इलेक्ट्रॉन पास हो सके। तो हम लोग इसे इस तरीके से कह सकते हैं कि इसमें जो रेजिस्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी जो रेंज है वो 10^10 मेगा ओम से लेके जो है 20 हो जाती है। यानी कि 10^10 से लेके जो है 10^20 तक जो है मेगा ओम तक जो है इसकी रेजिस्टिविटी जाती है, क्योंकि ओम जो है वो रेजिस्टिविटी का यूनिट है, तो ये मेगा ओम तक जो है इसकी रेजिस्टिविटी जाती है। बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए, बल्कि ओमेगा नहीं बल्कि मुझे यूँ कहना चाहिए कि 10^10 ओम मीटर से ले इसकी जो है 10^20 ओम मीटर तक जो है इसकी रेंज आती है। क्योंकि आपको मालूम है V/I होता है, ये रेजिस्टिविटी का हम लोग इस तरीके से निकालते हैं, और V/I को हम लोग कहते हैं कि ये ओम है, तो रेजिस्टिविटी जो है वो ओम मीटर उसका यूनिट होता है, तो इसकी रेजिस्टिविटी जो है 10^10 ओम मीटर से 10^20 ओम मीटर तक चलती है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी चूँकि आपको मालूम है कि रेजिस्टिविटी का जो है इन्वर्स होती है, तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो इस तरीके से आ जाती है कि वो 10^-20 से लेके 10^-10 ओम मीटर का इन्वर्स जो है इसका यूनिट होता है, यहाँ तक इसकी कंडक्टिविटी होती है। यानी कि इसकी कंडक्टिविटी बिल्कुल ना होने के बराबर होती है और रेजिस्टिविटी हद से ज़्यादा होती है। और दूसरी एग्जाम जो है इसकी बात, इसकी एग्जांपल में आप लोग ले सकते हैं कि प्लास्टिक्स आ जाते हैं। आपको मालूम है कि प्लास्टिक में से भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। इसी तरीके से वुड की एग्जांपल आप ले सकते हैं, उसमें से भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती।
और रबर है उसमें से भी कोई इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, तो ये सब की सब जो है इंसुलेटर की कैटेगरी में आ जाती हैं, क्योंकि इनकी रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा है। आप खुद देख सकते हैं कि इसकी रेजिस्टिविटी 10^10 ohm meter से 10^20 ohm meter है। इसे इमेजिन करें तो ये काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टिविटी है। जब किसी चीज़ के अंदर इतना रेजिस्टिविटी होगी तो वो कैसे करंट पास होने देगा। और दूसरी बात, इंसुलेटर के अंदर तो हमारे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये एनर्जी को किसी भी सूरत में अपने अंदर से जो है वो पास नहीं होने दे सकता। सिमिलरली इन्हीं तीनों बैंड की बेस पर हम लोगों ने इंसुलेटर से कंडक्टर को भी डिफाइन किया है। ये कंडक्टर को इन तीनों बैंड्स की बेसिस पे किस तरीके से डिफाइन किया है वो ऐसे है। अब कंडक्टर को भी हम इन तीनों बैंड्स की बेसिस पे इस तरह से डिफाइन करते हैं। लेट्स से कि ये हमारे पास डिफरेंट एनर्जी बैंड्स हैं। ये हमारे पास जो है वैलेंस बैंड है, और कंडक्टर के अंदर जो है ये हमारे पास कंडक्शन बैंड होता है। यानी कि मैंने थोड़ा सा आपके वैलेंस बैंड को भी मुझे थोड़ा सा इस तरह से बनाना चाहिए था कि यहाँ पर वैलेंस बैंड है ये हमारे पास, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। ये दोनों बैंड आपस में इस तरह से ओवरलैप किए होते हैं कंडक्टर के केसेस में कि यहाँ पर कोई भी हमारे पास फॉरबिडन बैंड होता ही नहीं है, हमें फॉरबिडन बैंड मिलता ही नहीं है कंडक्टर के केस में। चूँकि इनके दरमियान दोनों ही जो बैंड है आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरबिडन बैंड ना होने के बराबर हो जाता है। इसमें जो है हमारे पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमारे पास जो है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर कोई भी फिजिकल अपेयरेंस नहीं आ रही थी, मतलब कि कोई भी ऐसा फीचर नज़र नहीं आ रहा था जिसकी बना पर आप इन दोनों बैंड्स को अलहदा कर सकें। क्योंकि ये दोनों ही एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं, इसलिए इन दोनों के दरमियान डिस्ट्रिक्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और कंडक्टर हैं तो कंडक्टर में आपको मालूम है कि प्लेंटी ऑफ जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होती है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, तभी तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। तो कंडक्टर के केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और फॉरबिडन गैप तो होता ही नहीं है, तो वो इलेक्ट्रॉन लॉट कैसे आएंगे, यानी कि वो बिल्कुल ही एम्प्टी होता है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि वो ना होने के बराबर होता है क्योंकि ओवरलैपिंग हो जाती है। और इसकी जो रेजिस्टिविटी है, इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो 10^-7 ओहम मीटर्स होती है। और कंडक्टिविटी आपको मालूम है कि कंडक्टिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, जो कि 10^7 ओहम मीटर इनवर्स होती है। ये इसकी कंडक्टिविटी होती है, और ये इसकी रेजिस्टिविटी। जाहिर सी बात है कंडक्टर है तो कंडक्टर की रेजिस्टिविटी तो बहुत कम होगी, और जो इसकी कंडक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा होगी। और आपको मालूम है कि रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे का इन्वर्स है, इसीलिए इनके यूनिट में ओहम मीटर और ओहम मीटर मीटर इन्वर्स आ जाता है, और इनकी जो ये रेंजेस हैं वो भी एक दूसरे के साथ उलट जाती हैं। यानी कि अगर रेजिस्टिविटी है तो 10^-7, और अगर कंडक्टिविटी है तो 10^+7 में आ जाती है। और चूंकि ये दूसरे एक दूसरे के साथ इन्वर्सली रिलेटेड हैं, इसलिए इनके सब के सब यूनिट्स और रेंजेस वगैरह भी आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होती हैं। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं, आप कॉपर ले सकते हैं, एल्युमिनियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं। आपको मालूम है कि इनके पास जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे +2, +3, +1, तो जब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये किसी को दे भी सकती हैं, तो ये इजीली जो है वो हमारे पास कंडक्टर के एग्जांपल में आ जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे सिर्फ मेटल्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर के अंदर जो है आप सोडियम मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम मेटल इस्तेमाल कर सकते हैं, या कॉपर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमारे पास तीसरी कैटेगरी है जो कि है सेमीकंडक्टर्स जो हैं हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान आते हैं, यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन दोनों कैटेगरीज के दरमियान आती हैं। सेमीकंडक्टर्स, अब सेमीकंडक्टर्स को भी इन्हीं तीनों बैंड्स की वजह से जो है वो कैटेगराइज किया गया है। ये हमारे पास एक एनर्जी बैंड है, ये हमारे पास जो है वो वैलेंस बैंड है, और ये हमारे पास कंडक्शन बैंड है। सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है कि हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस बैंड जो है वो पार्शियली फिल्ड होता है, ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड होता है। जो हमारे पास वैलेंस बैंड है वो भी पार्शियली फिल्ड होता है, ये हमारे पास पार्शियली फिल्ड है। और जो हमारे पास फॉरबिडन गैप होता है या फॉरबिडन बैंड है, ये जो है नैरो होता है। यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि ये आपस में होता तो ज़रूर है, इन दोनों के दरमियान जो है थोड़ा बहुत फासला ज़रूर होता है, थोड़ा बहुत गैप ज़रूर होता है, जिसे हम लोग फॉरबिडन गैप कहते हैं। लेकिन वो इंसुलेटर की तरह सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का नहीं होता, बल्कि नैरो सा होता है, यानी कि थोड़ा सा माइन्यूट सा होता है, लेकिन होता ज़रूर है, जिसकी बेसिस पे हम लोग कहते हैं कि सेमी कंडक्टर्स जो हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर के दरमियान में आते हैं। इसके पास ना तो कम्प्लीटली
फिल्ड वैलेंस बैंड होता है और ना ही इसके पास एक्सेस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान आ जाती हैं। इसकी जो रेजिस्टिविटी है वो भी कुछ कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान ही आती है कि ये 10^6 to 10^8 लिखना है, तो 10^6 से ये जो है 10^4 ओम मीटर तक इसकी रेजिस्टिविटी जाती है। और इसकी जो कंडक्टिविटी है, चूँकि रेजिस्टिविटी का उल्ट है तो जाहिर सी बात है वो 10^-4 से 10^-6 ओम मीटर के इन्वर्स तक जाती है। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान में आ जाती है। और सेमी कंडक्टर भी 0°C पे सिर्फ इंसुलेटर होता है, तब वो कोई भी सेमी कंडक्टर नहीं होता। सेमी कंडक्टर के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि सेमी कंडक्टर बनता ही कब है और कब हम किसी भी इंसुलेटर को सेमी कंडक्टर कह सकते हैं। क्योंकि जब सेमी कंडक्टर कोई भी इंसुलेटर जो है उसे इंसुलेटर कह सकते हैं आप उसे, अगर वो सेमी कंडक्टर की कैटेगरी में आता है तो 0°C पर नहीं होता बल्कि किसी भी रूम टेम्परेचर के ऊपर आता है। बेसिकली इसकी एग्जाम्पल में हम लोग जर्मेनियम लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं और ग्रुप 4 के जो मेम्बर्स हैं उन्हें हम इसके ग्रुप में रख लेते हैं। क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसे अपना जो शेल है वो कंप्लीट करने के लिए 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, जिसकी बेसिस पे ये जो है उनके साथ मैच करके या उनके साथ कोवलेंट बॉन्ड के थ्रू जो है वो इस तरह से बॉन्ड्स बनाती है। और सिलिकॉन और जो जर्मेनियम है वो फिर पूरा का पूरा नेट बन जाता है। 0°C पर तो ये ऐसे ही रहते हैं, लेकिन अगर कोई भी और रूम टेम्परेचर हो तो इनका जो बॉन्ड है ब्रेक हो जाता है। और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होता है तो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल का पेयर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तब हम कहते हैं कि अब ये इंसुलेटर जो है 0°C से भरकर एक और टेम्परेचर पर, किसी भी रूम टेम्परेचर पर जाकर अब ये एज अ कंडक्टर एक्ट कर रहा है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो जो कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होती है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि ये सेमी कंडक्टर्स हैं। जैसे कि आप इस इमेज से देख सकते हैं कि ये तीनों ही जो हैं ग्रुप 4 से रिलेटेड हैं। ये जर्मेनियम है, ये सिलिकॉन है, ये डायमंड है। आप फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ में देखें, वेरिएशन देख सकते हैं कि कौन सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स हैं। तो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान के पास इस तरह से नैरो सा बैंड होता है, इसलिए जर्मेनियम और सिलिकॉन को ज़्यादातर हम लोग जो है वो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में रखते हैं। इसी तरह हमारे पास इंसुलेटर के अंदर भी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के दरमियान जो है वो काफ़ी ज़्यादा गैप होता है, सेवरल इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। और कंडक्टर्स के अंदर तो ये गैप बहुत ही कम होता है इस तरीके से। फाइनली हम इन तीनों को एक इमेज के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये कंडक्टर्स की कैटेगरी में है, तो कंडक्टर्स के अंदर हमने बात की है कि जो फॉरबिडन गैप होता है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप किया हुआ होता है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा नैरो होता है, इतना कम होता है कि कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। सेमीकंडक्टर के अंदर जो है ये नैरो हो जाता है इस तरीके से, ये हमारे पास जो है गैप आ रहा है, फॉरबिडन गैप है जो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के दरमियान आ जाता है। जबकि इंसुलेटर में तो ये बहुत ही ज़्यादा, आप खुद देख सकते हैं कि जस्ट ये इमेज है लेकिन रियलिटी में तो ये बहुत ज़्यादा होता होगा, और इतना ज़्यादा है और ऊपर से फ्री इलेक्ट्रॉन भी कुछ नहीं है, तो ये कैसे जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है। लेकिन इसके कुछ चांसेस हैं कि सेमीकंडक्टर जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकता है, लेकिन 0°C के अलावा किसी भी रूम टेम्परेचर पर कर सकता है। और कंडक्टर में तो होते ही फ्री इलेक्ट्रॉन, एक सेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास हो जाती है। तो ये कुछ एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में था कि एनर्जी बैंड थ्योरी किस तरह से हमारे पास मटेरियल्स को कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के अंदर जो है डिवाइड कर देती है, और किस तरीके से हमारे कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स काम करते हैं, और इनके अंदर ये जो लेवल्स हैं इनका फ़ायदा क्या है, इनके लेवल्स के होने का फ़र्क क्या पड़ता है। इनके लेवल्स की बेसिस पर ही तो हम लोगों ने इन तीनों को कैटेगराइज़ किया है, अलग-अलग कैटेगरी में रखा है। तो एनर्जी बैंड थ्योरी ने हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया है ये समझने के लिए कि किस मटेरियल को हम किस किस बेस पर एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। अब तो आपको कुछ तो एनर्जी बैंड थ्योरी के बारे में समझ आ चुका होगा कि इस थ्योरी की ही बिना पर हम लोगों ने कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड और फॉरबिडन गैप की जो है प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया है, उनके फीचर्स को देखा है, और उन्हीं फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर को एक दूसरे से सेपरेट किया है।